बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश बाश होंगे। आज का व्लॉग माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इस तरह के दोस्तों तुहानूं पता है कि कारोबार के हालात जिहड़ा इस टाइम ने बिल्कुल स्लो हो चुके हैं। सानू भी तकरीबन कोई 10 दिन तो बाद बाहरली शहर का चक्कर मिले है, अंदरूनी शहर तो छोटा मोटा तो काम मिल जाता है, लेकिन जोड़ा है लंबा सफर है वो काफ़ी दिनों तो बाद मैंने चक्कर मिले। तो मैं क्या क्यों ना अपनी बाकी फैमिली नाल शेयर करते हैं और ट्रेवल भी लोग जोड़ा है अभी थोड़े तो शेयर करते हैं। रहो तुम साढ़े ना असी जोड़ा है जी हम अपनी सीट तो बहर निकल के इस पंप तो तेल वगैरह जोड़ा है असी पा के गड्डी साड़ी रोड के उत्ते तैयार है जी। तो वजन साढ़े को थोड़ा जहा ज़्यादा है, तकरीबन इस टाइम जो वजन है वह है जी 45। असी नूं लै के जाना है जी मैलसी शहर। तो असी इस टाइम मौजूद है जी बहावलपुर रोड के उत्ते, बाकी रस्ते विच जो छोटे छोटे शहर आएंगे वह भी थोड़े नाल शेयर करांगे। असी हुण जिहड़ा है जी अपने रूटीन के मुताबिक ऐनक वगैरह ला लैने आ, तो इहदे नाल जिहड़ा है अक्खां नूं कुछ सुकून मिलता और मिट्टी घटे तो भी बचत रहिंदी है। तो असी हुण जी गड्डी नूं करदे हां जी स्टार्ट। दुआ करा जे इकबाल गुजर जिहड़ा है खैरियत दे नाल अपनी मंजिल मकसद ते पहुंच जावे, और तुहाडी सपोर्ट की काफ़ी जरूरत है, तो सपोर्ट कराया करो, साड़ी वीडियो में जोड़ा है मुकम्मल वेख्या करो, काफ़ी मेहनत करके असं जोड़ा है वीडियो बनाने। असी जी 2 किलोमीटर सफर तय किया है, तो साढ़े जोड़ा है जी रक्षे का टायर पेंचर हो गया, तुम वेख सकते जी। हूँ असी कॉल की हुई जी पेंचर वाला जरा वो देखा आएगा और पेंचर जोड़ा है ला के जाएगा जी। ये है जी दानी स्कूल का गेट। असी सफर कर रहे थे तो अज पहली दफा रस्ते दे विच कोई परेशानी बनी है, अलहमदुल्ला काफ़ी देर हो गई लेकिन यह जी कदे परेशानी नहीं सी बनी जी अज बनी है, क्योंकि टाइम भी मेरे को बहुत घट है सी। थोड़ा जल्दी भी है सी, लेकिन अल्लाह नूं नहीं मंजूर है सी ते साडा जिहड़ा रक्षे का नुकसान होना सीगा। हुण पेंचर वाले नूं कॉल की है जी, वह इतने अपना रक्षा लैके आएगा तो पेंचर जिहड़ा है लाए साडा जी, पेंचर लाने वाला जिहड़ा है सी रक्षा आ गया जी। तो हुण भाई साहब हुण पेंचर लाते हैं, पेंचर के इन्होंने जिहड़ा है नहीं पैसे बहुत ज़्यादा लाए हैं। टायर जी साडा जिहड़ा है वह खुल गया है, इस बाद पेंचर का प्रोसीजर जिहड़ा है शुरू हो जाएगा। काफ़ी देर तो बाद रोड के उत्ते मैं परेशानी बनी है, पहले तो कदे इस तरह नहीं होया, जिते भी पहुंचे अलहमदुल्ला मंजिल मकसूद से पहुंचे है। जो बैठे ना वो तो कट लग गया, अच्छा एक बार तेन ठोस। ये है जी पेंचर वाले का नंबर 0302-44-365। अगर तुहानूं बहावलपुर रोड दे उत्ते कितने भी जरूरत बने तो असद असलम तुहाडे कोल पहुंचेगा जी, इस नंबर से तुसीं राबता करना है। साडा जी हुण ट्यूब का मसला थोड़े जिहा खराब हो गया सी, ट्यूब सानूं 0 मीटर लैके पानी पई है जी, तो यह भी शुक्र अल्लाह का सानूं कितने जाना नहीं पिया, इस
ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਟੂਬ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੂਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਮੀਟਰ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੈਂਪੁਰ ਤੋਂ, ਨੈਤੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਪੇਟ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਡ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਡਬਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹੈਡ ਸੈਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਹੈਡ ਸੈਫਲ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਈਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਲਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਲ ਕੇ ਮੱਛੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਟਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਹੈਡ ਸੈਫਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮੈਲਸੀਆਂ ਤੋਂ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ 2 ਨੰਬਰ ਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਲਸੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਲਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸੜਕ ਹਜੇ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਊਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਆਊਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਟਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੋਡਾ ਸਿਰਫ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਬੱਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਉਤਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਕਬਾਲ ਗੁੱਜਰ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।